कहां जा रही हो नैना? रात के इस अंधेरे में इस चार दीवारी से बाहर जाते हुए तुम्हें शर्म नहीं है? तुम मेरी बीवी हो। शुक्र है कि तुम्हें यह एहसास तो हुआ कि इस चार दीवारी में रहने वाली औरत को पूरी दुनिया तुम्हारी बीवी समझती है, वरना तुमने तो मुझे डेकोरेशन पीस की तरह शोकेस में बंद रखा हुआ है। शट अप। की चार दीवारी में दफनाया तो जा सकता है, लेकिन बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं जाऊंगी, मैं बाहर जरूर जाऊंगी। तुम्हारी कोई भी जंजीरें अब मेरे कदमों को नहीं रोकेंगी। नैना को हाथ मत लगाना। तुम्हें यहां आने की जरूरत कैसे हुई? तुम हो कौन? मैं वो हूं अरसलान, जो नैना जैसी मजबूर और बेकस औरतों को तुम जैसे दरिंदों से निजात दिलाता है। उस औरत को जिन्हें तुम जैसे मर्द निकाह करके अपना सर खरीद गुलाम बना लेते हैं। Get out from here. She is my wife. नहीं मानता। मियां और बीवी का रिश्ता कागज पे लिखे हुए हरूफ की तरह नहीं होता, बल्कि ये रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता होता है, एक मुकद्दस रिश्ता होता है जिन्हें तुम जैसे लोगों ने। Shut up! दूसरों की बीवियों को भगा के ले जाना यह मुकद्दस बात है? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथ नहीं लगाना, मुझे जान से मार दूंगा। हाथ नहीं लगाना। Very good work. मुबारक हो सलमान। एक जबरदस्ती है। अगली किस्त देखिएगा जाहिद साहब, मेरे हिसाब किताब से। ओहो। वैसे पता है इस सारे प्ले में मुझे क्या अच्छा लगा सबसे? आपकी डायरेक्शन। अरे नहीं शामी, कभी भी कोई प्रोजेक्ट एक आदमी की वजह से कामयाब नहीं होता। इट्स ऑलवेज द टीम व्हिच रियली काउंट्स। और सबका टीम वर्क आपको नजर आ ही रहा है इस प्रोजेक्ट में। यू परफॉर्म्ड वेरी वेल। कैमरामैन ने लाइटिंग बड़ी अच्छी की, सबने अच्छा काम किया। लेकिन ये स्क्वाड्रन में चलने वाला सबसे बेहतरीन ड्रामा है। अरे नहीं, और भी अच्छे ड्रामे चल रहे हैं। मुझे भाई पता कीजिए खाना लग गया या नहीं। सर खाना आ गया, लगा रहे हैं, दो मिनट की बात है सर। वैसे सलमान साहब ये फोर्थ एपिसोड था, आपने फर्स्ट एपिसोड में हमारी खातिर क्यों नहीं की? शामिल मैं सच पूछो तो इंतजार कर रहा था कि रिस्पॉन्स क्या आता है इसका। अगर रिस्पॉन्स अच्छा ना आता तो मेरा दिमाग खराब था कि मैं इतना एहतमाम करता। अच्छा वो मुन्ना भाई, प्लीज़ वो कैमरामैन को भी फोन कर दीजिएगा, अगर उनकी शूटिंग खत्म हो गई है या ब्रेक लेके आ जाएं, सब मिल बैठ के खा लेंगे। अच्छा है सर, वो फोन आया था उनका, वो किसी शूट पर है और बस वो पहुंचने वाले। मेरा ख्याल है खाने की तरफ चलते हैं क्योंकि डिश में से मुर्गे उड़ जाएंगे। चलिए जब तक वो भी पहुंच जाए। शर्म बे हया, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बाप ने देख लिया तो इतना जूते लगाएंगे कि ना नहीं याद आ जाएगी तुझे। क्या है अम्मा, किया क्या मैंने? अरे किया क्या है, उतार के पाजेब। और तुम ये क्या अंधी बनी रहती हो? इसके बाप ने इसे इस हालत में देख लिया होता तो जा इसी वक्त जाकर उतार। हजार मर्तबा का है कमारी लड़कियां पाजेब नहीं पहनती। ये चाव चोचले अपनी ससुराल में जाके पूरे करना। जो जो उतार दो ना, ये थोड़ी देर के लिए तो पहनी थी, उतार देती अभी, इसमें मारने की क्या बात थी? अरे बताओ मैं तुझे। अम्मा आप अंदर जाए। अरे हजार मर्तबा का है जब बाप से पिटेगी ना तब इसके होश ठिकाने आएंगे। क्या हरकत है जोजो, क्या हरकत है की है मैंने? आप ही सब कुछ ससुराल जाके करना, साड़ी ससुराल जाके पहनना, लिपस्टिक ससुराल जाके लगाना और फाजिल। अच्छा बस करो, जब ये सब नहीं पहन सकती तो खरीदती क्यों हो? अपनी पॉकेट मनी से खरीदती हूँ, आप लोगों को क्या है? तो क्या फायदा है पैसे जाया करने का? नजी आप ही, मुझे शौक है पाजेबे पहनने का, इंसान अपने शौक तो पूरे करता है ना। अब सारी लड़कियां पहनती है पाजेबे तो फिर मैं क्यों नहीं? दुनिया की सारी लड़कियां तो और पता नहीं क्या क्या करती है। देखो जोजो, हर आदमी अपने हिसाब से जिंदगी गुजारता है, अपने तरीके से।
और ये अपने सारे शौक तुम ससुराल जाके ही पूरे करना, यहाँ तो बहुत जूते खाओगी तुम। या अल्लाह, या हमारी माँ को सुधार दे, या जल्दी से मेरी शादी करा दे। अम्मा ने सुन लिया ना तो बताएंगी तुम्हें। अब उतार भी दो, ये अभी तक पहनी हुई है। उतार रही हूं। किसे आवाज दूं? तेरी तो तबीयत खराब थी ना अकरम, छोड़ दे इसे। तो बीच में से हट जा गुलजान। चलो ए, फूटो इधर से। जब तक मैं ना कहूँ कोई इधर की सीढ़ियां नहीं चलेगा। चलो ए, और मिठू निकाल सबको बाहर। चलो ए, तमाशा खत्म हो गया, चलो। बोल अब, क्यों जमाई थी तूने महफिल? और गुलजान, तुमने मुझसे कहा कि बेबी की तबीयत खराब है और सेठ करीम का फंक्शन बर्बाद कर दिया। जलील कराया तुम लोगों ने मुझे। इसकी तबीयत वाकई बहुत खराब थी। छोड़ मत बोलो गुलजान, छोड़ मेरा हाथ, मुझे कहीं नहीं जाना। बिल्कुल ठीक हूँ मैं।
तेरा तो बाप भी जाएगा। बकवास मत कर। अच्छा ए, होश में रे, होश में। ये मत भूल, ये घर मेरा है। ये घर नहीं, कोठा है, चौराहा है ये। जिस दिन ये मुझसे छिन गया ना, उस दिन सहते से सर नहीं उठाऊंगी। सर तुझे बताता हूँ मैं। अरे मेरी बात तो सुन। क्या हो गया? बार सकन की। उसकी तबीयत वाकई खराब थी, मैं सच बोल रही हूँ। अंकल जान तो बीच में सर क्या? शामीन की याद आ रही थी। लगता है आपको शामीन से प्यार हो गया। अरे क्या बताओ अब तुम, वो मेरी जिंदगी बन गई है, मेरा सब कुछ। अरे लेकिन तुम्हें क्यों बता रहा हूं मैं ये सब? अच्छा मैं जा रहा हूँ शूटिंग पे, वो जुनेद का फोन आएगा ना तो उसे कहना मैं उसको कॉल बैक कर दूंगा आके। तो इसका मतलब आपको काम मिल गया? अरे हीरो आ रहा हूँ, हीरो शामीन के साथ। अच्छा हजा कारोबार छोड़कर अदाकारी करना आपको जेब नहीं देता अली भाई? अरे तू भी मामा पापा जैसी बातें करना शुरू हो गए, फिर ना कहीं है। सलमान तुम शामीन को अपनी फिल्म में क्यों नहीं ले लेते? शामीन नहीं, एक तो वो एज ब्रैकेट से निकल चुकी है और दूसरा एक्सपोज बहुत हो चुकी है। हर दूसरे सीरियल में तो आ रही, मुझे अपनी फिल्म के लिए कोई नई लड़की चाहिए। तो वहां से क्यों नहीं ट्राई करते? कहां से? अरे नहीं कभी नहीं गया मैं वहां, और फिर वहां ऐसी लड़की कहां से आ गई? या क्या बात करते हो, वहीं तो तुम्हें सारा टैलेंट मिलेगा यार। सारी जिंदगी तो उनकी एक्टिंग करते गुजरती है, और फिर डांस भी उनका परफेक्ट होता है। बड़ी मालूमात है तेरी। हाँ हाँ, तो कभी कभी जाना होता है, सिर्फ गजलें सुनने जाता हूँ। यार ऐसे तो मत देखो। अच्छा जाने का इरादा बने ना तो बता देना। यार चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। कहाँ वहाँ जा रहे? नहीं भाई घर ही जा रहा। ओके ओके मना भाई। अच्छा भाई मना भाई जी, वो ये बताइए कि शामीन के आउटडोर के कितने सीन रह गए बाकी? सर 22 सीन है। 22? सर वो अगर उस तरफ जाना हो आपका तो एक लड़की है मेरी नजर। ना भाई अभी नहीं, नहीं नहीं सर, वो असल में एक साहब के साथ जाना हुआ था मेरा। सर मेरे हिसाब किताब से बहुत अच्छी लड़की हो, और
मैं आपको उससे मिलवा दूंगा। खामखैं आप उस जाय साहब के सामने शर्मिंदा क्यों? अच्छा खैर चलें देख लेंगे। अच्छा वो पहले शामीन की सीन निकाल लीजिए, उनकी रिहर्सल करवा लीजिए, फिर आ जाएगा भाई लेने के लिए उसको। किसे आवाज दूं, किसे आवाज दूं। सलाम अलैकुम शेया भाई। वालेकुम सलाम। और सुनाओ कैसी हो? बस जी रहे हैं अम्मा की कैद में। कैद में? अच्छा आप रहने दें, अंदर तो आइए। नजी आपा चाय बनाए। जो जो कौन आए हैं? अम्मा वो कोई मेहमान आए हैं। मेहमान? हाँ शेरार भाई, वो मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। बात करनी है? अच्छा अच्छा तो करो बात। क्या शेरार भाई, एक बात बताएं, ये जो आपके चाचा चाची हैं, यानी के मेरी अम्मी और अब्बा, इनको कोई डांटने वाला या समझाने वाला नहीं है? इनसे कोई बड़ा? हाँ उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं। क्या मुसीबत है, दादा दादी में से कोई एक जिंदा होता ना तो। हाँ ये तो है, लेकिन वैसे समझाना क्या है, शायद मैं किसी काम आ सकूं। आप? नहीं आपको तो फौरन डांट के भगा देंगे। हाँ वैसे हम एक ट्राई जरूर कर सकते हैं, जब ही शायद मैं कामयाब भी हो जाऊं। शहरयार भाई मुझे पिकनिक पे जाना है अपनी सहेलियों के साथ, अब्बा तो इजाजत नहीं देंगे, और अम्मा से अगर बात करूंगी ना तो वो तो फौरन यही कहेंगी कि अब्बा तुम्हें जान से मार देंगे। वैसे सूरत से तो अब्बा नहीं ऐसे लगते कि किसी को जान से मार दें। हाँ ये तो है, सूरत से तो नहीं लगते, लेकिन सूरत इन धोखा दे जाती है। इसीलिए तो मैं डरती हूँ, क्या भरोसा भाई। तुम्हें छोड़ो जाने दो, पिकनिक खत्म करो। क्या क्या जाने दो, अपने सारे अरमानों का रोज गला घोटती हूँ। फिर पैदा हो जाते हैं और क्या। अरे शहरयार तुम कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। ये तो शहरयार है, तुमने कहा कोई मेहमान आया है, इसको यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों बिठा दिया? अम्मा वैसे कौन से हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं, तो मैंने सोचा शहरयार भाई को ड्राइंग रूम में बिठा दूँ। अच्छा बेवकूफी की बातें मत करो, जाओ अब्बा को बताओ शहरयार आया। जी बैठो बेटा। और चाची कैसी हैं आप? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बेवकूफ हो गई है। अरे नहीं चाची मैं तो खुद इस तरफ आ गया था। अच्छा और बताओ भाई भाभी का क्या हाल है? बाबा जान अम्मी जान बिल्कुल ठीक हैं, शायद इतवार को आएंगे, तुम उनका बता देना तो मैं फिर इस तरफ आ गया। अरे भाई तुम्हारा अपना घर है, तुम वैसे भी आते रहा करो। आपी अभी तक चाय नहीं बनी क्या? वैसे आया कौन है? पता नहीं आपका कोई मेहमान है। मेरा? अरे तो इसमें इतनी हैरानगी से पूछने वाली क्या बात है, आप दुनिया में किसी को नहीं जानती क्या? बताओ ना कौन आया है। कौन हो सकता है, आपके होने वाले वो शहरयार। हाँ आपी आप किस तरह शहरयार भाई का नाम ले रही हैं? अम्मा को देखा आज तक अब्बा को कैसे पुकारती हैं? अजी जरा सुनिएगा। चुप करो। वैसे आपी एक बात है, शहरयार भाई से ज्यादा अच्छे लड़के भी हैं इस दुनिया में, ज्यादा दौलतमंद खूबसूरत। जो जो दौलत और सूरत जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी नहीं होते, सिर्फ मोहब्बत जरूरी होती है, समझी? मोहब्बत?
वो 5 मिनट में पहुंचने वाले, रास्ते में मेरी भी बात हुई उनसे। क्या डायरेक्टर साहब नहीं आए? वो पहुंचने वाले हैं, मैंने उनसे बात हो गई। आप लोग तैयार हो क्या, हमें क्यों नहीं बुलाते? मैडम बस सब रेडी है, मिस आयशा का मेकअप हो रहा है। मिस आयशा कौन है? ये हमारी न्यू कमर है। न्यू कमर? हाँ जी। तो सिखाया नहीं कि इंतजार नहीं करवाते? सॉरी। साबिर साहब, सीजन का गारमेंट वक्त पे चला जाना चाहिए, वरना हमारी मार्केट खराब होगी। सर प्लीज सर, आप शिपिंग कंपनी वालों से बात करें। सर वहाँ भी उन्होंने एक बेवकूफ आदमी बिठा दिया सर, जो हर वक्त बहस करता रहता। तो आप मुजाहिद साहब से बात करें, वो डील करते हैं। सर मुजाहिद साहब तो ऑलरेडी बीमार हैं। तो मुस्तफा साहब से बात करें, लेकिन शिपमेंट इस हफ्ते चली जानी चाहिए। सर लेकिन हेलो, मैं जरा बिजी। अच्छा चलो। हाँ हमीदा। क्या हमीदा, तुम वहीं पे रहना, मैं बस अभी के अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ सर, खैरियत तो है सर? खैरियत नहीं यार। क्या हुआ मामा? तुम्हें मैंने मना किया था ना, टेलीफोन क्यों कर दिया जासिम को? मामा क्या हुआ? डॉक्टर मामा ठीक तो है ना? अरे बिल्कुल ठीक है। अरे कुछ भी नहीं हुआ बेटा, पानी का ग्लास उठा रही थी, व्हीलचेयर संभली नहीं, लड़खड़ा के गिर गई हूँ। क्या गिर गई? मामा आपसे कितनी मर्तबा कहा, अब खुद कुछ ना किया करे, इसको वाजी कर। तुम कहाँ थी? जासिम वो कुछ काम कर रही थी। मामा आपसे कितनी मर्तबा कहा है गोनस का इंतजाम कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं बेटा। मामा कम से कम वो आपका प्रॉपरली ख्याल तो रखेगी ना। जासिम बेटा, तुम जानते हो कि तुम्हारी मामा अकेली हैं। शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ ये है असल बात। वैसे शायद अब ये जरूरी हो गया है। डॉक्टर साहब मामा तो बस ऐसे ही ना। नहीं बेटा, नर्स या गवर्नेंस तुम्हारी मामा का इतना ख्याल नहीं रख सकते जितना तुम्हारी बीवी। अच्छा भाभी, मुझे इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मैं आपको चेक करने आऊंगा। तुम बेटे यहीं बैठे मामा के पास। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ के आता। अरे नहीं बेटा, बैठो। थैंक यू वेरी मच। ओके भाभी, खुदा हाफिज़। थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसे बेटा, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? अगर आपको कुछ हो गया, खुदा की कसम मर चुका। कैसी बात करते, ऐसी बात नहीं करो बेटा। तो अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? ले आओ ना फिर ख्याल करने वाली। किसे आवाज दूँ, किसे आवाज दूँ। Thank you.
जबरदस्त।